बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। एमबीबीएस की केपीके में जो अभी आपका एमडीकैट हुआ है उसके थ्रू केपीके में कितनी सीटें हैं, मिनोरिटीज कोटा पे कितनी है, सेल्फ फाइनेंस पे कितनी सीटें हैं, उसके अलावा ओपन मेरिट पे कितनी सीटें हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। एमबीबीएस के बारे में बताऊंगा, बीडीएस के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्कूल आदमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे बात करें तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द खैबर पख्तूनख्वा फॉर द एडमिशन एंड टू एमबीबीएस एंड बीडीएस फॉर द सेशन 2022-23 के लिए ओपन मेरिट पे जो सीटें एमबीबीएस की वो 825 हैं और बीडीएस की 196 सीट है। टोटल ये सीटें हैं 1021। उसके बाद जनरल सेल्फ फाइनेंस सीट जो है वो 114 एमबीबीएस की, 35 बीडीएस की, टोटल ये 149 सीटें बनती हैं। मिनोरिटी कोटा पे 2 सीटें एमबीबीएस की, 2 बीडीएस की, टोटल 4 सीटें बनती हैं। उसके बाद फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट 40 हैं, 51 है, जिसमें 40 एमबीबीएस की हैं और 11 जो है वो आपकी बीडीएस की है। उसके बाद फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स हो गया, आपको पहले बता दिया। उसके बाद रेसिप्रोकल फॉर एनएमसी मुल्तान, 1 सीट एमबीबीएस की है इसकी और 0 सीट बीडीएस की है। उसके बाद मिनोरिटीज कोटा भी आपको पहले बता दिया है, डिसेबल कैंडिडेट्स की 5 सीटें एमबीबीएस की हैं और 2 सीटें बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। टोटल सीटें ये बनती हैं आपकी 7। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बैकवर्ड एरिया से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए मिर्ज एरिया डिस्ट्रिक्ट जो एमएडी से बिलोंग करते हैं 254 सीटें एमबीबीएस के लिए, 36 सीटें जो हैं वो आपकी बीडीएस के लिए और टोटल सीटें 290 बन रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अफगान नेशनल सीट्स 10 सीटें एमबीबीएस की, 2 सीटें बीडीएस की, टोटल 12 सीटें बन रही हैं। उसके बाद आर्मी पब्लिक सीट्स 2 सीटें एमबीबीएस की, 0 बीडीएस की, टोटल 2 सीटें बन रही हैं। उसके बाद मिर्ज एरिया डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान प्रोजेक्ट सीट्स टोटल सीटें एमबीबीएस की 91 और टोटल सीटें आपकी बन रही है बीडीएस की 22 बन रही है और बीडीएस की 22 और टोटल सीटें ये बन रही हैं 113 सीटें। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की एमबीबीएस की 33 सीटें हैं और 1 सीट बीडीएस की है, टोटल सीट 34 है। गिलगित बल्तिस्तान की 7 सीटें एमबीबीएस की हैं और टोटल सीटें 7 हैं इसकी। उसके बाद आपको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम सीट्स 5 सीटें एमबीबीएस की हैं, 1 सीट बीडीएस की है, टोटल सीटें आपकी 6 बनती हैं। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम सीट 5 सीटें एमबीबीएस की हैं, 1 सीट बीडीएस की, टोटल सीटें 6 बन रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ओवरसीज पाकिस्तान फॉर केपी के सीट्स 5 सीटें एमबीबीएस की, 4 सीटें बीडीएस की, टोटल 9 सीटें बन रही हैं। और ये तमाम स्टूडेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैंने आपसे शेयर करनी थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट्स आपसे शेयर कर दी है इसके हवाले से। अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।